आज हम बात करेंगे 60 टिप्स के बारे में जो मैं खुद पर्सनली यहां पर यूज करता हूं सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए। ऐसे टिप्स मेरा दावा है ना तो आपको कहीं देखने को मिला होगा, ना आपको कहीं सुनने को मिला होगा, ना आपको कहीं पढ़ने को मिला होगा और ना ही आपको कहीं समझने को मिला होगा। तो कौन सी है मेरी वो 60 टिप्स सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पर सबके पोर्टफोलियो लगभग लाल निशान में चल रहे थे जिन्होंने भी 2016 के बाद से अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर शुरू किया था। खुशखबरी उनको लिए ये आई कि पिछले 1 महीने से लगातार बाजार काफ़ी तेज़ी पकड़ा हुआ है और लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है और सबके पोर्टफोलियो वापस से यहाँ पर लाल निशान से हरे निशान पर आ गए। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि इस बीच में मार्केट के गिरने और मार्केट के बढ़ने में क्या आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर खो दिया है? क्या थी वो अपॉर्चुनिटी, आइए जानते हैं। अगस्त में बाजार यहां पे मार्केट सेंसेक्स 39,000 पे था। अक्टूबर में यहां पर ILFS क्राइसिस के बाद बाजार यहां पर 33,000 पर आता है। फरवरी में ये वापस 35,000 होता है। मार्च आते आते ये यहां पर करंट पोजीशन पे लगभग 38,000 पे यहां पर आ जाता है। तो बाजार यहां पर धूमधड़ाम गिरता है और फिर धूमधड़ाम ही यहां पर आगे बढ़ने लगता है। बहुत से सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर बाजार गिर रहा है तो ये फिर गिरते ही चले जाएगा और अगर बाजार बढ़ रहा है तो फिर ये बढ़ते ही चले जाएगा। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, यही सब फाइंड आउट करने में लगे रहते हैं, सब यही इंफॉर्मेशन खोजने में यहां पर लगे रहते हैं। और जितने न्यूज चैनल और एक्सपर्ट है वो इस बात को समझते हैं कि लोग को रीजन चाहिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और वो यही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में यहां पर लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका तो बिजनेस ही यहां पर यही है। आप सबसे पहले ये बात समझिए कि आप किसी टीवी चैनल में या फिर आप यहाँ किसी फाइनेंस चैनल में या बिजनेस चैनल में या किसी फाइनेंस कंपनी के लिए आप काम नहीं करते हैं कि आप अगर रीज़न नहीं पता करोगे कि बाज़ार क्यों गिर रहा है तो आपकी सैलरी यहाँ पर काट दी जाएगी या आपके अगेंस्ट कुछ एक्शन होगा। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो, आप यहाँ पर अपना पैसा बनाने के लिए आए हो। जो भी न्यूज़ चैनल यहाँ पर खबर दिखाते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी होती है, उस पर वो अपना एनालिसिस यहाँ पर देते रहते हैं, वो प्रोएक्टिव चीज़ें आपको नहीं बताते या जो होने वाला है वो आपको यहाँ पर पहले से इस बारे में नहीं बताते हैं। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिनका गोल यहाँ पर 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद है। अगर आप यहाँ पर, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग 2016 से निवेश करना यहाँ पर चालू किए, लगभग 80% नए लोग यहाँ पर म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं। अब 2016 से ही अगर आप देखोगे तो डिमोनेटाइजेशन हुआ, ब्रेग्जिट हुआ, GST आया, ILFS क्राइसिस हुए, 2019 मार्केट क्राइसिस हुआ, करेंसी क्राइसिस हुआ, क्रूड ऑयल क्राइसिस हमको देखने को मिला, RBI में इशू हमको देखने को मिला, यहां पर रेजिग्नेशन हमको देखने को मिल गया। तो अगर आप 15 साल का समय लेकर चल रहे हो तो ऐसे कितने आएंगे और कितने जाएंगे 15 साल में, आप ये सोचिए। मार्केट जो है वो कभी भी ऐसे नहीं चलता है, मार्केट ऊपर नीचे चलते रहता है, लेकिन लंबे समय में एट द एंड वो ऊपर ही जाना है उसको। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस आपको आते रहेंगे। अगर आप रीजंस ही खोजते रहोगे तो आप अपॉर्चुनिटी का फायदा कब उठाओगे? आपको रीजन फाइंड आउट नहीं करना है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको इसका फायदा उठाना है, आपको इस ऑब्जेक्टिव का। जब भी ये होता है, ये कोई लंबे समय के लिए तो होता नहीं है कि कोई क्राइसिस हो गया तो वो यहां पर 2-3 महीना चल रहा है। शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी आती है, सिर्फ 1 दिन, मैक्सिमम 7 दिन तक वॉलिटिलिटी रहती है, फिर मार्केट यहां पर सस्टेन कर जाता है। वो 7 दिन में आपको यहां पर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी है। शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी का आपको यहां पर लॉन्ग टर्म फायदा उठाना है। अगर आप उस समय में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करोगे तो आप कर क्या रहे हो, आप यहां पर कुछ भी नहीं कर रहे हो। वो रीजन को जान के क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसीलिए अगर आप यहां पर पीछे भी देखोगे तो मेरे बहुत सारे वीडियोस थे जहां पर मैंने इसके बारे में बताया है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। मैंने इस बारे में नहीं बताया कि ILFS क्यों हुआ, आप देख लो, जहां पर सब बता रहे थे ILFS कैसे हुआ, ILFS क्यों हुआ, बहुत सारे लोग क्राइसिस बता रहे थे ब्रेग्जिट के बारे में। अब मेरे को ब्रिटेन के बारे में जान के क्या करना है, मेरे को तो यहां पर अपने पैसे देखने हैं, मेरे को तो अपना यहां पर गोल देखना है कि मैं गोल को कैसे पास करूं। तो ये यहां पर समझना जरूरी है। तो अगर गिरावट में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, हर गिरावट, हर अपॉर्चुनिटी को आप यहाँ पर खोते चले जाओगे तो आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। और कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो गिरावट में रिडीम कर देते हैं, पैसे अपने निकाल लेते हैं, तो वो तो ये सोने पे सुहागा हो गया। आप कैसे यहाँ पर अपने गोल को कंप्लीट यहाँ पर करोगे अगर आप ऐसे ही करते चले जाओगे तो।
तो अब मैं कौन से टिप्स यूज करता हूं और आप भी इनको यूज कर सकते हैं, जिनको आपको भी यहां पर सक्सेस मिलेगी अगर आप इन टिप्स को यूज करोगे। सबसे पहले तो एंड रिजल्ट हमको जाना है, यानी कि हमको पहुंचना हमारे गोल में है, रिटायरमेंट प्लानिंग जो भी यहां पर चिल्ड्रन एजुकेशन जो भी गोल है वहां तक कंप्लीट हमको पहुंचना है। उसके लिए हमारा प्रोसेस सही होना ज्यादा जरूरी है। अगर आपका प्रोसेस सही होगा तो आप अल्टीमेटली अपने गोल तक पहुंच जाओगे। अगर आपका प्रोसेस गलत होगा तो आप गोल चाहे कुछ भी बना लो, आप वहां तक भी नहीं पहुंच पाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसेस यहां पर सही होना चाहिए। तो जो मैं प्रोसेस यूज करता हूं वो मैं आपको यहां पर पॉइंट वाइज बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट, मैं न्यूज चैनल पे ज्यादा भरोसा करता नहीं हूं, क्योंकि वो यहां पर बहुत ही पास्ट खबर ज्यादा बताते हैं, जब जो हो चुका है उसके बारे में बताते हैं, क्या करना है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। दूसरा, मैं चीजों के रीजन यहां पर नहीं ढूंढता हूं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, क्या वजह से हुआ। मैं यहां पर अपॉर्चुनिटी देखता हूं और वहां पर इन्वेस्ट कर देता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है काफी समय से, जब मैं ऐसा चीजें देखता हूं तो मेरे को पता रहता है कि आज नहीं तो कल बाजार तो बढ़ने वाला ही है। जैसे अभी हुआ, काफी क्राइसिस के बाद बाजार यहां पर बढ़ गया। अब जो आगे होगा, हो सकता है कि 2019 के इलेक्शन के बाद वॉलेटिलिटी आए, लेकिन उसके बाद फिर बाजार बढ़ेगा। हो सकता है ग्लोबल रिसेशन आए, जो आने की संभावना है, उसके बाद बाजार बढ़ेगा। उसके बाद कोई बाजार गिरने का वो नहीं कि गिर रहा है तो गिरते ही चले जाएगा। तो आपको रीजन फाइंड आउट नहीं करना है। तीसरा चीज जो मैं करता हूं, मुझे सिर्फ अपने गोल से मतलब है कि मैं अपना गोल यहां पर कंप्लीट करने के लिए बैठा हूं और मेरा गोल यहां पर कंप्लीट हो जाए, जो मेरे को पैसा बनाना है। मैं यहां पर किसी फाइनेंस कंपनी के लिए यहां पर काम नहीं करता या किसी न्यूज एंकर का काम नहीं करता कि मैं रीजन फाइंड आउट करूं क्यों हुआ, कैसा हुआ, कंपनी का सीईओ कौन था, डायरेक्टर कौन था, क्यों फॉल्ट हुआ, कैसे फॉल्ट हुआ, इन सब से हमको यहां पर मतलब नहीं है। चौथा चीज जो मैं यूज करता हूं, जब भी 1,000 या 2,000 रुपए जब भी कुछ एक्स्ट्रा मनी होता है, उसको मैं अपनी एग्जिस्टिंग एसआईपी में ट्रांजैक्ट मोर का ऑप्शन यूज करके यहां पर ऐड कर देता हूं। पांचवा चीज, काफी समय हो गया इन्वेस्टमेंट करते हुए, आज तक कभी भी एसआईपी रोकी नहीं है। तो आप भी अगर अपनी एसआईपी कर रहे हो तो आप किसी भी प्रकार का एसआईपी घबरा के रोको मत, उसको यहां पर कंटिन्यू कर दो। जब भी 500 पॉइंट की गिरावट दिखती है तब एडिशनल इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो फिर से अपनी एग्जिस्टिंग एसआईपी में। 500 पॉइंट की गिरावट किस में, 500 पॉइंट की गिरावट आपको देखनी है सेंसेक्स में। अगर दिखती है बाजार गिर रहा है तो आप यहां पर कुछ पैसे जरूर लगाकर ऐड कर दो 12 बजे तक। सातवां चीज, मैं ऐसे ही शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का लॉन्ग टर्म फायदा उठाता हूं। मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप इसको यूज करोगे तो जो आपका 10 साल का गोल है वो 7 साल में कंप्लीट हो जाएगा, जो आपका 5 साल का गोल है वो यहाँ पर 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा, जो 7 साल का गोल है वो आपका 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस टेक्निक्स को यूज करके अपने गोल्स को यहाँ पर इजी वे में समय से पहले ही आप यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। तो पूरे वीडियो का कंक्लूजन मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, हो सकता है आपके लिए वीडियो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि मैं आपको एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहा था, तो मैं आपको यहां पर क्लियर कट बताता हूं। आज बाजार यहां पर वापस 39,000 की तरफ जा रहा है। 2018 अगस्त में भी बाजार यहां पर 38,000-39,000 के पास में था, फिर बाजार 33,000 में आया, फिर बाजार 35,000 में आया और अब बाजार 38,000 में। यानी कि दो अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही थी 33 और 35 में, जहां पर हम कुछ अलग से पैसा वहां पर अपने एग्जिस्टिंग एसआईपी में यहां पर निवेश कर सके या फिर लमसम कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सके। अब आप मुझसे नहीं, आप अपने आप से पूछिए क्या आपने ये काम किया है। तो यहाँ पर साफ हो जाता है कि हम यहाँ पर सिर्फ रीज़न खोज रहे थे, हमने कुछ भी वहाँ पर किया नहीं। इसके साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी एसआईपी को यहाँ पर बंद करके चले गए। खैर, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, इनमें उनका घाटा है, बाकी यहाँ से मेरा कुछ नहीं जाता है। अब मैं जाते जाते आपको यहाँ पर फिर से एक आखिरी मैसेज, जैसे कि मैं अक्सर वीडियो में देकर जाता हूँ, मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ आपको एक मैसेज। तो एक घबराया हुआ निवेशक सिर्फ बाजार में गिरावट का रीज़न ढूंढता है और एक समझदार निवेशक उस रीज़न का सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है। कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि आप हर रीज़न का सॉल्यूशन खोजो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजो। कई बार ऐसा करना ज़रूरी होता है कि उस रीज़न को पकड़ के मोड़ के आप साइड में यहाँ पर फेंक दो और बड़ी मैच्योरिटी के साथ उस सिचुएशन से यहाँ पर आप डील करो। तीसरा चीज़, यहाँ पर किसी भी गिरावट में या किसी भी यहाँ पर प्रॉब्लम से भागना उसका सॉल्यूशन नहीं होता है, इससे आप गोल से हमेशा दूर चले जाते हैं। यही मैसेज था आज का, उम्मीद है आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज का
वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के लिए आपको करना है लाइक, इसके साथ शेयर कर दीजिए बाकी लोगों के साथ ताकि उनको भी पता चले मेरा मैसेज यहाँ पर क्या है, ताकि वो लाइफ टाइम ये याद रखे, आज भी, आज से 10 साल 20 साल बाद भी जब मैं रहूँ या ना रहूँ या वीडियो नहीं बनाऊँ तब भी उनको एटलीस्ट मैसेज क्लियर हो और वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर यहाँ पर बन सके। इसके साथ आप भी बनिए तो शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। इसके साथ अगर आप मेरे चैनल में या फिर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं पहली बार तो आप मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए म्यूचुअल फंड बैंकिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहता हूं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अपने किसी और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो के साथ में।